आज आप देखिए 16 वर्ष की आयु रखने वाले युवक युवतियों के क्या हाल है, जो अपनी आयु से भी बुद्धि से ज्यादा बड़े हो गए हैं, और किस प्रकार से बड़े, जिनमें दुर्व्यवहार ज्यादा आ गए हैं, दुर्गुण ज्यादा आ गए हैं। 16 वर्ष की आयु तक तो युवक युवतियां किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं आज आप समाज में देखिए। नीति कहती है 16 वर्ष तक की आयु तक अपने संतान में चरित्र का निर्माण कीजिए, और हमारी भारतीय संस्कृति में चित्र का पूजन नहीं है, ख्याल रखिए चरित्र का पूजन है। चित्र का पूजन नहीं, भगवान राम का चित्र इसलिए नहीं पूजा जाता है आज कि वो बहुत सुंदर थे, इसलिए पूजन होता है कि भगवान राम का चरित्र महान था। हमारे यहां चित्र का नहीं, चरित्र का पूजन है। अपनी संतान में चरित्र का निर्माण कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जब वो फॉरेन गए तो एयरपोर्ट पर कुछ लोग उन्हें लेने आए, और उनकी वेशभूषा को देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगे कि अरे हम इनको लेने आए हैं, क्या है इनकी वेशभूषा, हम देखो सूट बूट टाई बेल्ट सुंदर वस्त्रों में हैं, एकदम अप टू डेट हैं, एकदम अच्छे सुसज्जित हैं, और स्वामी विवेकानंद शीश पे पगड़ी है, भगवा कपड़े हैं, एक कपड़ा नीचे लपेटा एक ऊपर ओढ़ा हुआ है, ऐसा इनकी वेशभूषा है। प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी समझ गए कि ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखने से पता चलता है ना कि वृत्ति क्या है, मनोवृत्ति, समझ गए स्वामी जी। लेकिन जब व्यक्ति से रहा ना गया तो उसने कह ही दिया स्वामी विवेकानंद जी से कि आपके यहां की संस्कृति कैसी है स्वामी जी, आपके यहां कोई पहनने की परंपरा नहीं है आपकी संस्कृति में, हमारी संस्कृति देखिए कितने सुंदर सूट बूट में लोग रहते हैं, और आपके यहां इस तरह की धोती ये वस्त्र। तब आप सुनिएगा कि स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, क्या कहा। स्वामी जी बोल उठे, स्वामी विवेकानंद की वो वाणी आज हम सबको गौरवान्वित करती है, हम लोगों को गर्व करने के लिए विवश करती है। स्वामी विवेकानंद बोले कि महानुभाव मिस्टर जॉनसन, आपकी संस्कृति आपके टेलर निर्माण करते हैं, और हमारी सनातन संस्कृति हमारा चरित्र निर्माण करती है। आपकी संस्कृति में, आपकी संस्कृति का निर्माण आपके टेलर करते हैं, कि आप सूट बूट पहने तो मतलब संस्कृतिवान हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति हमारे चरित्र का निर्माण करती है, और हमारे चरित्र ही हमारी संस्कृति दर्शाती है। हमारे यहां टेलर निर्माण नहीं करते, हमारे यहां बालकों में वो संस्कार दिए, वो चरित्र दिए हैं जो हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं, और ऐसी दिव्य और भव्य संस्कृति में हम निवास करने वाले सनातनी लोग। बाहर से आप कैसे हो, आवरण ये महत्वपूर्ण नहीं है। और स्वामी जी महाराज जब विदेश गए तो वहां जब उन्होंने प्रवचन उपदेश किए तो जो उपदेश उस समय कहा आज वो विश्व की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान की बात आज विश्व भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके रिसर्च, उनके शब्दों पर रिसर्च, उनकी वाणी जो उन्होंने कहा है उसका विश्लेषण होता है। महान संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारे चरित्र का निर्माण करती है, और ऐसे दिव्य चरित्र का धारण करने वाले स्वामी जी ने वहां जाकर हमारी संस्कृति को पहुंचाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 16 वर्ष तक की आयु में अपने बच्चों के जीवन में चरित्र का निर्माण करिए, और निरीक्षण करिए कि आपने जो संस्कार दिए हैं उनका क्या हो रहा है। आपके अच्छे संस्कार होंगे तो जो 12 से 16 वर्ष की आयु है उसमें चरित्र भी अच्छा बनेगा,
और जब चरित्र अच्छा हो गया तो उसका जीवन सुधर गया, वो इस संसार में रहने के परम योग्य बन गया। इसलिए हमारे जीवन में भी दिव्यताएं आए। और जो प्रकार इस प्रकार सिद्धांत को लेकर चलता है, 5 वर्ष तक बच्चों को प्रेम, 6 से 12 वर्ष तक संस्कार और 16 वर्ष तक उसके जीवन में जब आप चरित्र भरते हैं तो वो बालक महापुरुष बनता है, वो बालक सदाचरण करने वाला बनता है। और जिसमें सदाचरण है उसके जीवन में सब कुछ है, वो पूर्ण है। और इस प्रकार जो अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं वो संतान कभी भी कुमारगी नहीं हो सकती है। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो हमारी सुनता नहीं है। आपके आचरण उसको सुनने में, आपकी शिक्षा उसको सुनने में विवश कर देगी।